बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर करारा हमला बोला। नड्डा ने पहले वर्धमान में रैली की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी को घेरा। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार के चलते पश्चिम बंगाल में राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और भ्रष्टाचार को मान्यता मिल गई है। कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है। मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूं बंगाल के लोगों का उत्साह। लंबा चौड़ा रोड शो और हजारों कार्यकर्ताओं के जोशीले नारों से गदगद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब मीडिया के सामने आए, ऊर्जा से लबालब थे और इसी एनर्जी के साथ उन्होंने ममता सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और दूसरा राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है। नड्डा पश्चिम बंगाल की जमीन पर जनता के नब्ज भाप कर आए थे। डायमंड हार्बर में अपने काफिले के ऊपर हुए हमले की टीस लेकर आए थे। दूसरे दौरे में सारा हिसाब किताब आरोपों की झड़ी लगाकर चुकता कर दिया। जब मुझ जैसे प्रोटेक्टी को प्लानिंग से सड़क पर रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया जा सकता है, और जब हमारे सहयोगियों को जिस तरीके से अटैक किया गया, यह अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है, वह हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के 300 बीजेपी सपोर्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं और ये सिलसिला रुका नहीं है। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार के घाट पर 28 सितंबर 2019 को 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था, और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे 6-7 लोगों की जानें, पिछले 9 तारीख को मैं आया था और फिर से मैं 9 तारीख को आया हूँ, इस एक महीने में यहाँ भी घटनाएं घटी हैं। मैं पिछले महीने से इस महीने में एक महीने के अंतर यहाँ पर मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूँ बंगाल के लोगों का उत्साह में। एक महीने पहले बंगाल के लोग डरे सहमे लेकिन ममता के खिलाफ थे, आज स्पष्ट रूप से लोग सड़क पर हैं और मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नड्डा ने केवल राजनीतिक बयान नहीं दिए, कोरोना से बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन पर भी ममता सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि ममता के रवैये से पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन के काम में रोड़ा अटक सकता है। वैक्सीनेशन का जो है वो देश के लिए है ये प्रोग्राम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, और इसमें हम यही चाहेंगे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल और ममता जी का ईगो वेस्ट बंगाल की जनता के सामने नहीं आना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों के प्रति कोऑपरेट करना चाहिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। चुनाव मई में होने हैं लेकिन सियासत का चूल्हा धधकने लगा है और बीजेपी किसी मौके को चूकने के लिए तैयार नहीं है।